मैं लल्लन टॉप से हूँ, मेरा नाम सिद्धांत है। क्या नाम है सर आपका? मैं योगेश हांडा, भारतीय राष्ट्रीय सचिव इंडियन यूथ कांग्रेस। सर क्या है प्रोटेस्ट, क्यों, किस बात को है, अगर समझाना चाहें लोगों को? मतलब हम लोगों को पता है लेकिन समझाने की नीयत से अगर आज भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी की अध्यक्षता में संसद घेराव रखा गया था, जो मोदी जी ने जो अपना हिटलर शाही रूप एक तानाशाह के रूप में दिखाया है, कि जैसे राहुल गांधी जी की अध्यक्षता जो थी वो उसको ख़त्म कर दिया गया। सो बड़ी शर्मनाक बात है मोदी और भाजपा के लिए। देखो आज मोदी जी बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, आज भारत देश में इतने मुद्दे चल रहे हैं उसमें मोदी जी चुप करके साध कर बैठे, और जब कोई बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, और जब अडानी की बात की जाती है तो मोदी साहब उसकी बात पर तो मुंह पर उंगली रख लेते हैं और पानी पीने लग जाते हैं। और जब बात होती है महंगाई, और जब राहुल गांधी जी ने अडानी का मुद्दा उठाया कि जितने भी टेंडर हैं, जितना भी सारा कुछ है, आप एक ही घर में दे ही जा रहे हैं, 602 पे नंबर में थे 2014 में, आज दूसरे नंबर पर आ गए अडानी जी, तो ये बात का जो उन्होंने अडानी की जो नौकरी मोदी साहब करते हैं और उन्होंने आज राहुल गांधी जी के साथ क्या करके दिखाया, सो शर्म आनी चाहिए मोदी साहब। इसलिए प्रोटेस्ट था, इतने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता अरेस्ट हुए हैं, आप नहीं अरेस्ट हुए? हाँ जी, इतने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता अरेस्ट हुए, आप नहीं अरेस्ट हुए? मेरे लगी ये, लेकिन बस में थे, आपको बस से उतार लिया गया था, आप बस से उतर गए। यहाँ पे बाजू पे बहुत ज्यादा हार्ड लग गया, फ्रैक्चर हो गया लगता है, बहुत जबरदस्त। ये देखिए आपके सामने है जंतर मंतर पे आज इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था। इसके अलावा पार्लियामेंट में, संसद भवन में विपक्षी दलों के सांसद और नेता वगैरह जुटे थे काले कपड़े पहन के। प्रदर्शन किस बात पे था? जाहिर सी बात है, पिछले हफ्ते राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि सूरत की सेशंस कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी मानहानि मुकदमे में। नियम यही कहता है कि कम से कम 2 साल की अगर सज़ा हो तो सदस्यता जा सकती है।